हेलो दोस्तों, तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर वन। तो भाई देख रहे हो आवाज़ कितनी खतरनाक है, बहुत ही क्रीपी सा साउंड है। तो भाई ये मैं कह भी रहा है कि बेड के नीचे घुस सकते हो, और पता नहीं कितनी बार हम घुसे भी हैं। तो भाई यहाँ से ये किसी किसी चीज़ को पिक करने की आवाज़ दिखना कितनी खतरनाक है। टुप, अगर किसी चीज़ को पैनी को उठाएंगे कर, जैसे इसको उठाया ना मैंने। चलते हैं। ओ भाई ग्रैनी आ गई। एक ग्रैनी की आवाज़ कितनी खतरनाक है ना। अबे यार ये डोर बेल की आवाज़ ना, ये डोर बेल की आवाज़ बजती है ना, तो ग्रैनी कुछ बजता है ना तो ग्रैनी पहले भाग के आती है। उसे विश्वास होता है भाई हम यहाँ से निकलेंगे तो है ही। अब भाई हमें यहाँ से सामान चुगना है और फिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। मतलब रास्ता तो हमें पता ही है कि कहाँ पे है, फ्रंट डोर है जहाँ पे बैल बजी हुई है ना, पर वहाँ से सामान अभी चुगने में टाइम लगेगा काफ़ी। ये देख, अगर लकड़ा गिरता है ना भाई तब भी आ जाती है यार वो। जो यहाँ पे कार है, ये किसकी कार होगी और इसने नीचे लाया कौन इस कार को भाई। ओ भाई यार आवाज़ से तो वो आ गई, उसी का डर था। बचना, भागो भागो भाई, ये एक शॉट में ना सुला देती है इंसान को। एक शॉट लगना चाहिए इसका और आदमी ख़त्म। ये बैल, जब भी मैं इधर से आता हूँ ना, ये बैल पहले बच जाती है भयंकर। ये बोलती भी तो भयंकर ही है। वेयर आर यू, इसे हाइड एंड सी गेम बहुत पसंद है ना ग्रैनी को। भाई ये, और मैं पहले बता दूं इस गेम को पार करने में काफ़ी टाइम लगे हैं, एक बार में नहीं होने का भाई। ये इसमें बहुत रास्ते हैं भयंकर, कंफ्यूज भी होते हैं इसमें ना। पर ग्रैनी से बच सकते हो तुम, अगर तुम्हें थोड़ा तेज भागना पड़े। मतलब बस जैसे ही कुछ दरवाजा गिरता देखो ग्रैनी आ गई। अब कुछ भी खटपट होती है ना तो ग्रैनी पहले भाग के आती है, पर हमारे लिए अच्छा हो गया ग्रैनी इसके अंदर नहीं आ पाती। ये हमारे लिए अच्छा प्लस पॉइंट है, मतलब ना एक तरह का, ग्रैनी इसके अंदर नहीं आती। तुम छुप जाओ बस, ग्रैनी नहीं आएगी। अब हमने दरवाज़ा हटा दिया ना वहाँ से, अब ये ठीक है हमारे लिए। बस अब हमें सामान चुगना है। कई बार लगे यार शॉट ना मेरे को, पर फिर पता चल गया था इससे कैसे बचना है। फिर डंडा गिर गया। अब वो आएगी भागती हुई, ए आई आने वाली है बस। आई नहीं क्या? आ गई थी वो। अब दोस्तों उसको ना पागल बनाना पड़ेगा थोड़ा। अगर मुझे जब भी इस तरफ काम होगा ना, वैसे सामान ना दोनों तरफ रखा हुआ है, अगर मुझे इस तरफ काम होगा ना तो मुझे उस तरफ का कोई सामान गिरना पड़ेगा जिससे कि उसका पूरा फोकस उस तरफ आ जाए और मैं इधर से सामान उठा लूँ। और जब इधर से सामान उठाऊँगा तो सॉरी उधर से सामान उठाना होगा तो मुझे इधर का कुछ सामान गिरना पड़ेगा। और अभी रुको, उसको ना एक तो ऐसी स्पीड भी बहुत तेज़ है, जैसे कुछ सामान गिरता है ना पूरा ये घर ना बहुत बड़ा है, और जैसे सामान गिरता है ना कुछ ही सेकंडों में भाई ये तुम्हारे पास आ जाएगी, इतनी पावरफुल है ये। और साउंड तो भाई बहुत क्रीपी है। और सच कहूँ तो भाई अगर तुम रात को इस गेम को खेलोगे ना तो भाई तुम डर जाओगे यार। इसके आने की जो वो है ना, ये आहट और जो वाइब्रेशन वो होती है ना, वाइब्रेट होता है फ़ोन, वो थोड़ा भाई खतरनाक ही हो जाता है। दिन के वक्त ही खेलना चाहिए भाई ये गेम। कुछ कुछ जगह ना मैं कट भी कर दूंगा, क्योंकि जैसे ये रास्ता होगा ना तो मैं थोड़ी जगह कट भी करूंगा, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी यार, और इतनी लंबी वीडियो के लिए भाई अब क्या कर सके, नहीं कर सकते इतनी बड़ी वीडियो। बस आपको ये रास्ता ना याद रख लेना, क्योंकि वैसे मैं आधे में आऊँगा इस रास्ते को और आधे में कट मारूंगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ। ऐसी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने गिरा दिया ना, अब ग्रैनी यहाँ पे भागती हुई आएगी। वो आ गई और जैसे वो यहाँ आई हम उधर से निकलेंगे। बस अपना काम कर लो इधर से अब। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम कुछ आहट करोगे ग्रैनी इधर नहीं आएगी। हाँ थोड़ा टाइम लगता है उसको उधर से इधर आने में, क्योंकि वो थोड़ी देर रुक के देखती है ना कि कहाँ से आवाज़ आई कहाँ से आवाज़ नहीं आई। हमें भाई काफ़ी सामान उठाना होगा। और देखते हैं भाई ये मिशन मैं कंप्लीट कर भी पाता हूँ या नहीं। अब देखो पहले यहाँ पे पूरा, भाई इन्होंने पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है यार, किस किस जगह रखा हुआ है। देखो ग्रैनी आ गई, भाग लो। और फिर ये टन, फिर बस ये भाई ये बैल जब भी बजती है ना हैंग करके दिमाग ख़राब होता है यार। हर बार बजती है, जब जब मैं इधर से उधर जाऊँगा ना तो ये बैल ज़रूर बजेगी हैंग कर। कोई यहाँ ना आए। देखो सामान गिर दो इधर। अब वो इस तरफ से भागेगी, वो इस तरफ आएगी किसी तरह। ये देख रहे हो फ्रंट डोर ये है। बस 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 अभी हमें काफ़ी सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। ये इनका डाइनिंग टेबल होगा क्या, यहाँ पे खाना खाते होंगे क्या। ओ भाई ये तो आ गई। एक बार तो ग्रैनी ने मुझे यहाँ पे भी घेर लिया था भयंकर। एक ही डंडा लगा सीधा अपने जहाँ पे शुरू हुआ था ना गेम, सीधा वहीं। अब हमारे पास एक गन आ चुकी है। इस गन के भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, अभी बताऊँगा क्या फ़ायदे हैं इस गन के। पर भाई एक इसमें गलत बात भी है, इसमें गोली भाई एक ही लगती है, बस एक टाइम पे ना एक ही गोली लगेगी इसमें, तो सोच समझ कर। पर गोलियाँ बहुत जगह रखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है गोलियाँ नहीं मिलेंगी। ये भाई ये देखा मिस होगी ना, इसमें एक बार में ना एक ही गोली मिलेगी। बा अंदर तो खैर ये आ नहीं सकती, ये प्लस पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। फायदे तो हैं खैर इसमें, ऐसी बात नहीं है। चली जा। अब मुझे एक गोली चाहिए। अब इसमें ना एक गलत बात भी है यार, गोलियां भी एक एक करके उठानी पड़ती है, तो ये भी बात मुझे पसंद नहीं आई भयंकर। इसमें ना एक साथ कोई भी दो सामान नहीं उठा सकता। अगर तुम्हें सामान उठाना है तो भाई पहला सामान उसमें गिराना पड़ेगा। आ जा आ जा आ जा आ जा सामने आने। ये है भाई, अब हमें जब अब हमें भाई थोड़ा काम कर लेते हैं। अब हम काम कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पर यार। एक बात है देखो, एक एक बारी में एक ही गोली, और फिर हमें से लोड करके हमें फेंकनी पड़ेगी, फिर हमें दूसरा सामान लाना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी तो एक और टीम ही लगी है हमें यहाँ पे ना। अब देखना है क्या होगा इसमें ड्रामा। एक और
एक तो उन्होंने ऐसा, इसने ग्रैनी ने ऐसा लॉक लगा रखा ना भयंकर की हर बार टिंग टिंग तो बोलेगा ही बोलेगा। तो चलो अब हम फेंक के आते हैं सामान। अब ये खुलेगा, यहाँ पे भी हमें एक क्लू मिलेगा। चल हमें मेन चाबी चाहिए, मेन चाबी, और मेन चाबी ये है नहीं। देखा, एक सामान उठाने के लिए ना दूसरा फेंकना पड़ता है। अब ग्रैनी का भी टाइम उठने का हो गया है, होने ही वाला होगा, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं था उसमें, 2.5 मिनट थी बस। और पता नहीं थी गेम के अकॉर्डिंग 2.5 मिनट कितनी जल्दी होती होगी। आजा आजा, कहाँ से आएगी यार वो? ये आ गई। वेयर आर यू? बस बंदूक का बस ये फायदा है, और एक फायदा वहाँ का भी है जो गुफा सी नहीं है वो, जहाँ पर हम छुप जाते हैं, जो दोनों तरफ का हुआ है, थोड़ा फायदा मिलता है ना इसका। चल भाई साहब, अब हमें थोड़े फट्टे वट्टे चाहिए भाई। यहाँ पे ना रास्ते इतने हैं ना, रास्ते बहुत हैं यहाँ। इतने रास्ते हैं कि भाई यहाँ पे ना समझ समझ के चलना पड़ता है। ऐसा गेम प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये अलग अलग मोड से भी कंप्लीट होता है, तो अभी देखते हैं मैं कौन से, आप देखते रहो और समझ जाओ कि मैं कौन से मोड से इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। अरे बैल, भाई बैल ने तो दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, बार बार ये टन टन टन। अब हमें अपनी बंदूक उठानी पड़ेगी, ग्रैनी को 2.5 मिनट के लिए फिर सुलाना पड़ेगा। ढाई मिनट के लिए फिर गई भाई ये। पर यार ये गोली से ना ज़्यादा असर नहीं होता। मैंने सोचा है जब गोली लगेगी ना पहली बार इसके, मन चाहे आराम से भाई। अब ये तो गई भाई, देखे क्या 2.5 मिनट के बाद मेरे को इसने डाउन कर दिया, फिर दोबारा गेम प्ले स्टार्ट करना पड़ा। चलो चलो चलो, हम चल पड़े हैं नेक्स्ट क्लू की ओर। जल्द से मिले, और जितनी जल्दी मिलेगा भाई उतनी ही जल्दी नेक्स्ट क्लू भी ढूंढेंगे। कभी कभी तो इसमें भाई रास्ता भी भटक जाते हैं। और एक सामान को लेने के लिए भाई इतनी दूर दूर आना पड़ रहा है ना कि क्या बताएं आपको। आप खुद ही देख सकते हो, और भाई जिसने भी गेम प्ले करा होगा उसे तो पता ही है। खैर, आपको हर सामान के लिए पहला सामान गिरना पड़ेगा। चलो चलो, ओ ओ ना ना ना, ओ ना ना ना, आजा आजा आजा। वो इस तरफ से आएगी तो हम इस तरफ से निकल लेंगे। हमें यहाँ पे ना एक जगह ना, चलो भाई डिग्गी खोल लो। अब हमें ये रख दो,
क्या लगता है आपको दोस्तों, हम कौन से रास्ते से जाएंगे? कमेंट अभी वीडियो को रोक के कमेंट करो, हम कौन सा रास्ता ढूंढने वाले हैं। अब भाई हमें एक मिनट रुको, यहाँ पे एक गोली है ना, अब आएगा मज़ा यार इसमें। यार एक ये भी बेकार बात है यार, कम से कम बंदूक में दो गोली का तो देते यार। नहीं यार फिर इच्छा ना बड़ी होती रहती है, फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यार फिर हम बोलते यहाँ पे ऑटो गन ही रख देते, फिर हम ये भी बोल देते। ओ भाई ग्रैनी आ गई शॉट खाने के लिए, पर जो उसके पास बैट है ना भाई, वो भी एक ही बार में चित कर देता है, दो बार मारने की जरूरत उसको भी नहीं पड़ती। अब हमें चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, यहाँ पर भाई बहुत सारा सामान मिलने वाला है हमें, और ये है हमारे सामान रखने की जगह, एक ये है हमारे सामान रखने की जगह, एक दूसरी तरफ है, दो बॉक्स है ना यहाँ पर, ए यहाँ पर जल्दबाजी में जो भी मिल जाए हम वहीं पर रखेंगे। ग्रैनी से बच बच के काम करना पड़ेगा भाई। तो मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें जैसे कि हम यहाँ पर हमें पता चल जाए कि भाई फ्रंट कौन सा है, हम जहाँ पे मेन सामान रखा है हम वहीं पे चल जाएं, ऐसा नहीं है। हमें भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ सामान लाना पड़ेगा, क्योंकि एक चाबी किसी चीज़ की है तो एक चाबी को खोलने के लिए नट दूसरे चाहिए, पेंच चाहिए, प्लास चाहिए, लाइट काटने के लिए, तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें चाहिए। तो भाई अब हमारे हाथ में मास्टर की लग चुकी है, तो भाई मास्टर की को भी अभी हमें रखना पड़ेगा, अभी हमें कुछ और सामान भी चाहिए। गन, फिर वही आवाज। मेरे ख्याल से भाई अभी यहाँ पर जो गोलियाँ है ना, अभी आपको ना आगे जाके एक और चीज मिलेगी जिससे कि हम ग्रैनी को मतलब सुला सकते हैं, पर गन से ज़्यादा नहीं, गन में ज़्यादा पावर है, ये 2.5 मिनट के लिए सुला देती है गन। अब हमें एक बार और सुलाएंगे अभी ग्रैनी को, चिंता ना करो। ग्रैनी के हाथ में जैसे बैट है ना, ऐसा बैट मिल जाए तो ग्रैनी को वहीं सुतो। इसमें पानी बहुत है इस जगह में ना, आवाज भी आ रही है, पानी की है ना ये किसी और चीज की है। इस प्लास का बहुत काम है, अभी पता चलेगा आपको इस प्लास का क्या काम है। ये देखो अब हमें लाइट है, वाइट है, ब्लू ब्लू भी देखने पड़ेंगे एक बार फोड़ कर।
डाउन 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 बेबी डाउन डाउन डाउन। ए ये ठीक हुआ, यहाँ काम हो गया। ये घर कितना बड़ा होगा यार, और किसने बनाया भाई ये? इसकी बात कर रहा था मैं दोस्तों, तरबूज की। अब आप सोचोगे तरबूज भाई क्या ही, ये वेपन है ये कुछ करने के लिए काम नहीं आएगा, वेपन ही काम आएगा। और अब दिखाता हूँ क्या वेपन ही काम आएगा ये। अब हमने आवाज़ तो कर दी है, अब बिना आवाज़, अगर आवाज़ आई तो ग्रैनी आएगी। और ये देखो भाई, ये फ्रीज हो जाती है यहाँ पर 2 मिनट के लिए गई। अब ये भी एक तरह का वेपन है हमारे पास, पर जो ये वेपन है ना भाई, इसमें ना भाई थोड़ा प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। ग्रैनी को वहीं पे लाना पड़ेगा जहाँ पर ये तरबूज है। और गोली का तो ये है कि भाई तुम दूर से खड़े होकर भी मार सकते हो, पर ज़्यादा दूर से मारोगे तो भाई ग्रैनी नहीं जाएगी। ग्रैनी तभी जाएगी जब पास से मारो थोड़ा। एक बार तरबूज गिरते मेरा काम भी हो गया था। अब अपनी बंदूक के लिए गोली लेने चलेंगे। आई थिंक अभी ऊपर जाना होगा। गोली वाली छोड़ो, अरे यार मैं अपना तरबूज जो उठा लूँ, तरबूज भी उठाना चाहिए ना मेरे को, तरबूज ही उठा लेता हूँ। वैसे बंदूक भी सही है दोस्तों, और क्योंकि बंदूक की गोलियाँ मेरे ख्याल से लिमिटेड हैं, और तरबूज तो भाई तुम जितनी बार चाहो उतनी बार फेंको। यहाँ पर देखते हैं, ये देखो तरबूज दूसरी बार। ग्रैनी बोल रही भाई ये हो क्या रहा यहाँ पर, देखते हैं क्या होने वाला है। अब भाई यहीं पर मेरा काम हुआ था पिछली बार, मतलब अभी ना जब मैंने दोबारा शुरू किया था ना, उससे एक बार भाई मेरा काम ना यहाँ पे भी हुआ है ऊपर, जहाँ पे मैं बोल रहा था डाइनिंग टेबल है क्या, ये वहाँ पर भी हुआ था एक बार, एक ही शॉट में नॉक। सामान तो भाई बहुत ही इकट्ठा करना पड़ता है इसके लिए। हम उसी कमरे में आ गए थे ना दोस्तों, जहाँ से वो बेड का इशारा कर रहा कि तुम अभी अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम बेड के नीचे जा सकते हो। छूट गए यहां से, उठा लो तरबूज। कहाँ है ग्रैनी जी, कहाँ हो, आ जाओ फ्रिज। चलो भाई 2 मिनट का टाइम हो रहा है हमारे पास। अब इसको भी लेके चलना पड़ेगा। चल चल चलो चलो चल चल चलो चलो। क्या यहाँ पर कोई है? अब हमें थोड़ा पेंच वेंच खोलने पड़ेंगे। क्या लगता है दोस्तों, हम ये मिशन कंप्लीट कर भी पाएंगे? नहीं, कमेंट करके बताओ दोस्तों, कमेंट करके।
अभी हमें यहाँ पर कुछ कटिंग वटिंग करनी पड़ेंगी। ग्रैनी वहाँ पड़ी हुई थी ना, ये ग्रैनी गई। यार ये चीज़ भाई बहुत ही मस्त है, गन से ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। पर हमें धीरे धीरे जाना पड़ेगा यहाँ पर। एक बार के लिए तो भाई मैं जब मैंने ये निकाला ना, मैं खुद बंद हो गया था यहाँ पर। ये देखो फिर यहाँ से निकला, मैं सोचा ये हुआ कैसे, फिर यहाँ से निकलना पड़ा। मैं सोच रहा था ये क्या वो है, दरवाजा खुला रहना चाहिए था। अब यहाँ पर काम आएगा हत्ती मारने के। यहाँ से ना एक तरबूज है ये भी, पर इसके अंदर कुछ है छुपा हुआ जो कि अबे हमें अभी मिलेगा। ये चाहिए था हमें, क्योंकि तरबूज तो हमारे पास पहले भी था फ्रिज करने वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब चैनल करना, कमेंट करके बताना कि गेम कैसा लगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। एक बार फिर आ चुका है, जाते जाते फ्रीज करके जाएंगे। कहाँ रहेगी ग्रैनी? ग्रैनी वेयर आर यू? निकलो निकलो निकलो, वेयर इज मास्टर की? ये अब हमें मास्टर की जरूरत पड़ेगी। कहाँ गई? चलो भाई चलो, भागो भागो भागो, कैसे होश ना आ जाए हैंग करके। कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों।